नमस्कार, शब्द सार्वभौम YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार की नव निर्वाचित वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस वर्ष का बजट प्रस्तुत कर दिया है। इस बजट में टैक्स पेयर के लिए कौन सी मुख्य बातें रही, उसका सार, बजट 2024-25 की खास बातें जानते हैं इस वीडियो में। मुख्य बातें और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया, करदाता को कोई राहत नहीं। न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% किया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। एसटीटी यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर के लगभग दोगुना कर दिया गया है। सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाया गया है। एनपीएस के लिए एम्प्लॉयर कटौती 10% से बढ़ाकर 14% तक की गई है। आइए जानते हैं इन बिंदुओं को विस्तार से। तो पहला है, ऑल टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऑल टैक्स रिजीम जैसी थी वैसे ही है। अभी ऑल टैक्स रिजीम आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें जो भी प्रावधान थे सभी प्रावधान पहले जैसे ही हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था, 50,000 ही है। इसके संबंध में स्पष्टता नहीं है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है वह ओल्ड रिजीम के संदर्भ में नहीं है। अभी तक का ऐसा है। लिखित में क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। पुराने टैक्स रिजीम में अनेक प्रकार के छूटों का प्रावधान है, इसमें भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। दूसरा बिंदु है कि न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव हुए हैं। वे बदलाव क्या हैं? आपकी स्क्रीन पर पहले हम न्यू टैक्स रिजीम 2023-24 को दिखा रहे हैं। इसमें मानक कटौती 50,000 थी, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर के लिए 30% था। वर्तमान में स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी कटौती को 75,000 कर दिया गया है और स्लैब में बदलाव किया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 7 लाख तक 5% है, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% कर निर्धारित किया गया है। बदलाव क्या हुआ है उसे जान लेते हैं। आकर्षक क्या बनाया गया है इसको समझते हैं। नए में आकर्षक क्या बनाया गया है इसे देखते हैं। तो आपके सामने न्यू टैक्स रेजिम 2023-24 भी प्रदर्शित हो रहा है और न्यू टैक्स रेजिम 2024-25 भी प्रदर्शित हो रहा है। इसमें न्यू टैक्स रेजिम 2024-25 में बदलाव यह हुआ है कि 3 लाख से 6 लाख पे पहले 5% पड़ता था, अब उस स्लैब को 3 लाख से 7 लाख तक का कर दिया गया है और 5% कर दिया गया है। यानी 6 लाख से 7 लाख तक की जो इनकम है उस पर 5% टैक्स देना है। पहले उस आमदनी पे यानी 6 लाख से 7 लाख की आमदनी पे 10% टैक्स देना होता था, वह अब 5% कर दिया गया है। और 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स पड़ेगा। पहले 9 से 10 लाख तक की धनराशि पर 15% पड़ता था, यानी 9 लाख से 10 लाख यानी 1 लाख पर केवल 10% टैक्स देना होगा, 15% नहीं देना होगा। पहले 15% देना पड़ता था। इसी प्रकार से 10 लाख से 12 लाख तक 15% देना है, तो उस पे पिछली बार भी 10 से 12 लाख तक 15% देना होता था, इस बार भी 15% देना है। लेकिन थोड़ा सा गणित में संशोधन किया गया है। 3 से 7, 7 से 10 और 10 से 12 कर दिया गया है। पहले 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 इस तरह का था। तो ये एक कैलकुलेशन किया गया है। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका हम जानते हैं। तो पहले 2023-24 के अनुसार पुरानी कर व्यवस्था और वर्तमान 24-25 के अनुसार आप के जेब पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये इस चार्ट से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन को नहीं घटाया गया है। तो इसके अनुसार यदि आपकी आय 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यदि आपकी आय 7 लाख तक है तो आपको 5% टैक्स देना है। और वो 5% टैक्स भी 3 लाख को छोड़ करके यानी 4 लाख पर 5% देना है, तो आपको 20,000 रुपये देना होगा 4 लाख के अनुसार। और पहले देना पड़ता था आपको 25,000 रुपये। तो इस कैटेगरी में आपको 5,000 रुपये का फायदा मिला है। और यदि किसी की आय 10 लाख है तो 10 लाख में आपको 10% टैक्स देना होगा। यानी 7 लाख से 10 लाख यानी 3 लाख पर 10% और 3 लाख से 7 लाख 4 लाख पर
5%, तो दोनों को मिला करके हमारे पास टैक्स होता है 50,000, जबकि पहले देना होता था 60,000 रुपये। तो हमें इसमें 10,000 का फायदा हो रहा है, और जिसकी आय 12 लाख तक है उस व्यक्ति को 10 से 12 लाख यानी 2 लाख पर 15% देना होगा, 7 से 10 लाख की इनकम पे 10% देना होगा, और चूंकि 12 लाख के अंतर्गत ही 3 लाख से 7 लाख तक की आय होती है तो उस पर 5% देना होता है। तो तीनों को मिला करके लगभग आपको 80,000 रुपये कर के रूप में जमा करना होगा, जबकि पहले विगत वित्तीय वर्ष में आपको 90,000 रुपये देना होता था। तो इसमें 10,000 रुपये का फायदा आपको मिला है। यदि किसी की आय 15 लाख है तो उस 15 लाख की अमाउंट पर आपको 12 से 15 लाख यानी 3 लाख पर 20% देना होगा, 10 से 12 पर 15%, 7 से 10 लाख पर 10%, और 3 से लेकर के 7 लाख तक की आय पर 5% देना होगा, जो टोटल बनती है 1,40,000। जबकि पिछले विगत वित्तीय वर्ष में आपको 1,50,000 रुपया इस आय पर देना होता था, तो इस कैटेगरी में भी आपको 10,000 रुपये का फायदा हुआ है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ हम यदि देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में यदि 3 लाख तक की आय है तो आपको कुछ भी कर नहीं देना, यदि आपकी आय 7 लाख तक है तो आपको 16,000 रुपये इस वित्तीय वर्ष के न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार देना है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के अनुसार आपको 22,500 रुपये देना होता था। तो यहाँ पर 6,250 रुपये का फायदा हुआ है। यदि आपकी आय 10 लाख रुपये है तो 10 लाख रुपये तक की आय वाले को जो इस वर्ष टैक्स देना होगा वो 38,750 रुपये देना होगा, जबकि विगत वित्तीय वर्ष में उस व्यक्ति को 52,500 रुपये देना था। तो इस कैटेगरी वाले व्यक्ति को, नागरिक को, 13,750 रुपये का फायदा होगा। 12 लाख तक वाले नागरिक को, जो 12 जिनकी आय 12 लाख तक है, उनको इस वित्तीय वर्ष में 57,500 रुपये टैक्स के रूप में भारत सरकार को देना होगा, जबकि पुराने टैक्स व्यवस्था अर्थात पुराने वित्तीय वर्ष 23-24 के अनुसार उसे 12 लाख आमदनी वाले व्यक्ति को 75,000 रुपये देना था। तो इस कैटेगरी में 17,500 रुपये तक का फायदा मिला है। जिसकी आय 15 लाख रुपए तक है, 15 लाख वाले को इस वित्तीय वर्ष में, जो 2024-25 चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में स्टैंडर्ड डिडक्शन को हटा करके 1,02,500 रुपये देना होगा, जबकि पुराने व्यवस्था के अनुसार 23-24 के अनुसार 1,25,000 रुपये देना होता था। तो इसमें 22,500 रुपये की छूट मिली है, और 15 लाख से ऊपर जिसकी आय है उसको 30% देना होगा। तो ये कैलकुलेशन अलग आधार पे होगी, क्योंकि 30% है तो 30% का कैलकुलेशन कुछ अलग होगा। ये मोटा मोटी हमने आपको बता दिया, सार अभी आपको अंतिम में बताएंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, इसकी कर व्यवस्थाएं हैं, किसको शॉर्ट टर्म कहा जाएगा, किसको लॉन्ग टर्म कहा जाएगा। सामान्यतया आप समझ लीजिए कि साल भर से पहले पहले आपने अपनी पूंजी पर जो मुनाफा कमाया है, जो आय अर्जित की है, उस आय पर, उस शुद्ध आय पर आपको पहले 15% देना होता था, वर्तमान में 20% देना होगा। अर्थात पहले जब आप 1 साल से कम की अवधि में 1 लाख रुपया कमाते थे तो भारत सरकार आपसे 15,000 रुपये ले लेती थी, 1 लाख रुपये का 15%। लेकिन अब भारत सरकार 1 साल से कम अवधि की पूंजी पर कमाई गई आय पे 20% लेगी। अर्थात आपने यदि 1 लाख रुपये कमाया है तो उस 1 लाख पर 20,000 रुपये भारत सरकार अपनी जेब में रखेगी। तो इतनी मेहनत करने के बाद आपकी जेब में केवल 80,000 रुपये आएगा। ये निर्णय बहुत ठीक नहीं है, आगे बताएंगे, क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करके, इतना रिस्क लेकर के पैसा कमाता है और उसका 20% बहुत ज़्यादा होता है, भारत सरकार ले जाती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है। और यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, लॉन्ग टर्म की परिभाषा, 1 साल की अवधि से ऊपर की अवधि में जो अपने अपनी पूंजी से आय अर्जित की है
उस आय को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना गया है, और विगत पिछले सालों में 1 लाख से ऊपर तक की आय पर 10% इनकम टैक्स लगता था, किंतु वर्तमान में 1.25 लाख यानी 1 लाख को बढ़ाकर के 1.25 लाख रुपए की छूट की गई है, और 1.25 लाख रुपए से ऊपर की जो आय होगी उस आय पर 12.5% आपको कर चुकाना होगा। कैसे? इस चार्ट के माध्यम से देखिए, हम कंपेयर कराते हैं पुराने और नए दोनों के रूप में। तो अगर आप 1 लाख रुपए अर्जित करते थे पिछले साल तक, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था। वर्तमान में अगर आप 1.25 लाख रुपए कमाते हैं, तो 1.25 लाख रुपए पे आपको कोई कर नहीं देना होगा। लेकिन यदि आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, तो पिछले विगत वर्ष में आपको 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख की शुद्ध आय हुई, तो उस 1 लाख पर 10% के अनुसार 10,000 रुपये देना होता था, जबकि वर्तमान में 1.25 लाख की छूट मिल चुकी है, बचा 75,000 रुपये। उस 75,000 रुपये पे 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि आपका बनेगा 9,375 रुपये। तो 2 लाख रुपए तक के लॉन्ग टर्म आय में आपको 625 रुपए का फायदा होगा, यानी 2 लाख रुपए की आय पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको 625 रुपए का फायदा दिखा रहा है। लेकिन 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी आय 3 लाख रुपए है, तो 1.25 लाख की छूट करने के बाद आपको 21,875 रुपए देना होगा, जबकि पुरानी व्यवस्था के अनुसार आपको 20,000 रुपए देना था, क्योंकि 1 लाख रुपए की छूट हो गई, 2 लाख रुपए टैक्सेबल आय हो गई, उस पर 10% यानी 20,000 रुपए कटेगा। लेकिन वर्तमान में 12.5% के अनुसार और 1.25 लाख को छोड़ करके शेष आय पर आपको 21,875 रुपए देना होगा, तो 1,875 रुपए आपको अधिक देना होगा भारत सरकार को। तो ये आम जो बचत करने वाले लोग हैं उनको हतोत्साहित करने वाला निर्णय है। तो आप इस चार्ट पर देखिए, 20 लाख तक जाते जाते 44,375 रुपए अधिक आपको गवर्नमेंट को देने होंगे। तो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के विषय में। पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार 1 लाख से ऊपर के जो शुद्ध मुनाफा था, उस पर 10% टैक्स देना होता था। नई कर व्यवस्था के अनुसार 1.25 लाख से ऊपर के मुनाफे पर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया गया है। ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? सिक्योरिटी जो बॉन्ड होते हैं, जो शेयर होते हैं, जो निवेश के तरीके होते हैं, उनकी खरीद और बिक्री, इनमें टैक्स लगता है। यानी जैसे आप किसी सामान को खरीदते और बेचते हैं, तो उस खरीद बेचने की में भारत सरकार अपना टैक्स वसूलती है, तो उस वहां भी टैक्स हमें देना होता है। तो वो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। म्यूचुअल फंड खरीदा आपने, शेयर खरीदा, बॉन्ड खरीदा आपने, तो इस तरह, हालांकि इस पे अभी स्पष्ट निर्णय आना बाकी है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स उस ट्रांजैक्शन पर भी एक टैक्स पड़ता है, कर लेती है भारत सरकार। यानी जब आप निवेश करते हैं, जब आप अपने कोई बॉन्ड खरीदते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, तो उस समय तो आपको टैक्स देना ही है, और जब आपको उसको बेचेंगे, बेचते समय भी आपको टैक्स देना है, और उस बेचने से हुए मुनाफे पर भी आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में कर चुकाना है, तो आप दोहरा दंश झेल रहे हैं कर का। तो इसे 2 गुना कर दिया गया है। ये आपके पास है। पहले एसटीटी चार्ज जो था वो था 0.0625%, जो अब बढ़ा करके 0.1% कर दिया गया है। और दूसरा, फीचर की सिक्योरिटी में फीचर एंड ऑप्शन जो होते हैं उनमें पहले 0.0125% टैक्स लगता था, जिसे अब बढ़ा करके 0.02% कर दिया गया है। सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे सोना सस्ता हो जाएगा, ये एक अच्छी खबर है। प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन हटा दिया गया है। इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी, खरीदने के बाद कुछ सालों बाद आपने उसको बेचा, तो ऐसे जो प्रॉपर्टी से आपको गेन हुआ है, उस गेन पर भी टैक्स लगता है, लेकिन उसकी कर व्यवस्था अलग है। उसकी कर व्यवस्था यह है कि जितना आपको शुद्ध लाभ हुआ है,
उस लाभ में जो टैक्स कटना है उस टैक्स में से पहले महंगाई दर को घटा दिया जाता है। यानी आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए में खरीदा और कुछ सालों बाद आपने 2 लाख में उसे बेच दिया, तो आपका उस प्रॉपर्टी से आई हुई 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना होता था क्योंकि आपकी वह आय है। लेकिन चूंकि संपत्ति से अर्जित की गई वह आय है, तो उसका गुणा भाग कुछ अलग था। उसका गुणा भाग क्या था कि कर देते समय महंगाई दर का भी ध्यान रखा जाता था। यानी जिस परसेंटेज से इंडेक्सेशन यानी इंडेक्स बना हुआ होता है, उसमें दर निर्धारित होती है कि इस साल इतना, इस साल इतना, तो उसको काउंट करके जो शेष बचता है, यानी अगर आपका 1 लाख रुपए महंगाई दर के हिसाब से जो 1 लाख रुपए इस साल जो 1 लाख रुपए अगले साल वही वही 1 लाख रुपया महंगाई दर के अनुसार घट गया, जो चीज 1 रुपए में मिल सकती थी वो अगले साल 1.25 रुपए में मिल रही है, तो 25% की बढ़ोतरी हुई। तो वही 1 लाख आज 2 लाख रुपए में बिक रहा है, तो उसका अब क्या रेट है, यानी मूल रुपये का क्या मूल्य रह गया है। उस महंगाई दर को हटा करके शेष जो शुद्ध मुनाफा बचा उस पर जो टैक्स लगता था, तो अब वह समाप्त कर दिया गया है, जिससे कर में वृद्धि हो जाएगी, ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वह इंडेक्सेशन बेनिफिट आपके लिए समाप्त हो चुका है, आम नागरिक के लिए समाप्त हो चुका है। एनपीएस के लिए एम्प्लॉयर कटौती 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। पहले 10% बेसिक सैलरी का 10% आपको एनपीएस के रूप में निवेश करना होता था, वर्तमान में 10% से बढ़ाकर के 14% कर दिया गया है, ताकि आम जो नौकरी पेशा लोग हैं रिटायरमेंट के टाइम पे उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, ज़्यादा क्या कहते हैं पेंशन के रूप में या किसी भी रूप में उनको ज़्यादा पैसा मिल सके, ये इसलिए किया गया है। धन्यवाद। तो इसका निष्कर्ष यह था कि टैक्स जो इस समय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, ये हतोत्साहित करने वाला है, किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हालांकि आपको नई कर व्यवस्था जो आकर्षक बताई गई है उसमें 22,500 रुपये तक का मुनाफा दिख रहा है, फायदा दिख रहा है, लेकिन ये समझिए कि महंगाई भी तो बढ़ गई है। जो 1 लाख रुपए पिछले साल जो सुख दे सकता था, आज उसी सुख के लिए आपको 1 लाख से ऊपर की जरूरत है। तो महंगाई दर बढ़ी है, उस महंगाई दर में 22,000 रुपये बहुत बड़ी राशि नहीं है, शायद अगर महंगाई दर जोड़ी जाए तो शायद कम ही पड़ेगा और फायदा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं मिला है। और जो निवेशक हैं, जो अपने समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने पैसे से पैसा बनाना जानते हैं, उनके लिए भी हतोत्साहित करने वाला यह टैक्स है। अब वो कैसे सेविंग करेंगे, उनके सेविंग पे तो सरकार ने पहरा लगा दिया है कि नहीं जी, हम गिद्ध दृष्टि बनाए बैठे हैं, आप हमें दीजिए। तो सारा बजट हतोत्साहित करने वाला है, आम आदमी केवल लोन के चंगुल में फंसा रहेगा, एफडी में फंसा रहेगा, महंगाई दर को झेलता रहेगा, और कमाने के सोर्सेस कम होते जा रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं, और गवर्नमेंट प्रत्येक नागरिक को काम देने में असमर्थ है, जिसकी वजह से ये टैक्स व्यवस्था पढ़े लिखे लोगों को, कामगार लोगों को, बचत करने वाले लोगों को हतोत्साहित करने वाली है। आशा है हमारा यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।